धू ध्यान से बात सुनो तू, धीरे धीरे कर लो ध्यान, इस धरती का रखें हम ध्यान, और सब मिलकर ले संज्ञान, यहीं से मिलता जीवन दान। जी हाँ बच्चों, इस धरती का हमें बहुत ध्यान रखना है, इसे प्रदूषण मुक्त बनाना है और खूब सारे पौधे लगाने हैं। तो इन सब के लिए सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे ध धरती। ध धरती लिखने के लिए हिंदी की 3 लाइन्स लेंगे, 1 2 3। तो लाइन नंबर 1 में हम छोटा सा सर्कल बना के, साथ ही इसके हम सी कर्व जो होता है, ये अगर आप देखोगे इधर से कवर करूँगी तो ये सी लगेगा, तो ऐसे बना के बाहर वाली साइड से ये कर्व बनाया, फिर नीचे एक स्माइल बनाई और साथ में स्टैंडिंग लाइन और छोटी सी छत इधर और इधर, इसका मुंह बीच में से खुला होगा जैसे थ का खुला होता था। फिर से देखिए, छोटा सा कर्व बनाया सर, फिर इधर से लाइन नंबर 2, फिर हम लाइन नंबर 3 को बिना टच किए कर्व बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, बीच से इसका मुंह खुला रहेगा, तो ये बन जाएगा ध धरती वाला। बच्चों अब देखते हैं हम धीरे धीरे ध से और क्या क्या बनता है। सबसे पहले आएगा ध से धूप। इतनी सुंदर धूप लगती है सर्दियों में, पर गर्मियों में तो बड़ी गर्मी लगती है। सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, और इस धरती पर, ध से धरती पर हमारी जब धूप पड़ती है तो धरती में सभी चीजें खिल उठती हैं। फिर आ गया ध से ध्वज। हमारा इंडिया का ध्वज, हर देश का अपना ध्वज होता है, परंतु हमारे इंडिया का ध्वज सबसे बढ़िया होता है, हमारा तिरंगा ध्वज। अब आ गया ध से धूल। गर्मियों में धूल भरी आंधी चलती है ना, ध से धूल। ध से धुआं। जहां आग लगती है वहां धुआं भी उठता है, ध से धुआं। और ध से धमाका, भड़ुम। ध से धूल, ध से धुआं, ध से धमाका। अब आया ध से धड़कन। दिल की धड़कन कैसे करती है, धक 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 धक। ध से धड़कन। ध से धावक। जो एथलीट होते हैं, दौड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, धावक। ध से धड़कन, ध से धावक, और ध से धीरे। एक तो धावक होता है जो तेज तेज दौड़ता है, एक है जो मस्ती से धीरे धीरे चलता है। ध से धड़कन, ध से धावक, ध से धीरे। अब आया ध से धोना। आजकल हम हाथ धोते हैं, बार बार धोते हैं, ध से धोना। ध से धनिया। ध धनिये की चटनी बनवाओ, खूब मजे से खाना खाओ। मम्मी ध से धनिये की चटनी बनाती है ना। अब आया ध से धागा। ध से धागा से हम सुई में धागा डाल के क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। तो चलिए फिर से बोलिए, ध से धोना, ध से धनिया, ध से धागा। अब आया ध से धोबी। धोबी आया, कितने कपड़े लाया, धोबी याद आ गया, ध से धोबी। ध से धन। खूब पैसा, खूब दौलत, ध से धन। फिर आया ध से धकेलना। धक्का मार के एक चीज को दूसरी जगह लेके जाना। जब कोई चीज भारी होती है तो हम उठाते नहीं हैं, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धक्का मार देते हैं। तो ध से धोबी, ध से धन, ध से धकेलना। अब आया ध से धनुष। धनुष आप लोगों को पता है, आप लोग जो धनुष के साथ खेलते हो, कौन से त्योहार के टाइम पे मिलता है, सर्दियों में जब वो आता है दशहरा,
तो खूब सारे धनुष तीर गदा सब कुछ मिलता है खेलने के लिए, है ना। ध से धनुष, ध से धुंध, जब सर्दियां आती है खूब सर्दियां आती हैं तो धुंध भी पड़ती है, फिर बहुत ठंड भी लगती है, धूप बहुत देर के बाद आती है, तो ध से धनुष, ध से धुंध। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना ध्यान रखिएगा, नई वीडियो में फिर से मिलूंगी। बाय बाय।